इज लखविंदर सिंह एंड यू वॉचिंग लखविंदर व्लॉग्स। तो दोस्तों आज मैं जो आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ, जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, वो इतना अफोर्डेबल है कि आप बहुत अच्छी ईएमआई के अंदर अपना घर ले सकते हैं। रादर दैन कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप अपना घर उसको बना सकते हैं। बहुत 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 ही सस्ता घर है, लग्जरी सेगमेंट का 1 BHK आपके लिए लेकर आया हूँ। प्राइस अगर आपको पता करना है तो थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी, वहां पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो रहने वाला है ये भी ज्ञानखंड में इंदिरापुरम के अंदर। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ज्ञानखंड एक प्रीमियम लोकेशन है इंदिरापुरम की। कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, वैशाली 2 किलोमीटर दूर यहाँ से मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, 3 किलोमीटर आपको आईडी का आनंद विहार का SBT मिल जाता है। वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको यहाँ पे मार्केट्स और स्कूल्स मिल जाते हैं। तो गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, ऑलरेडी यहाँ पे सारी फैमिली शिफ्टेड है। वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको पार्क्स मिल जाते हैं, 3 से 4 पार्क मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है इसके अंदर पूरा वुडन वर्क आपका बिल्डर करा के देगा, इंटीरियर पूरा बिल्डर करा के देगा। और इसके अंदर जो भी आप काम देखने वाले हो, थोड़ा बहुत काम अभी इसमें रहता है होना क्योंकि थोड़ा फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो व्यू आप देख सकते हो 1 BHK का है। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं आज का अपना 1 BHK का अफोर्डेबल प्राइस का हाउस टूर। तो वीडियो में बने रहना, अगर आप में से किसी का भी कोई भी कंसर्न है तो डिस्प्ले में दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं 1 BHK का हाउस टूर। ये अपने बिल्डिंग की आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हो, ये फ्रंट एलिवेशन है। अभी रात है तो आप पूरा देख नहीं सकते, किसी दिन डे में भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आपकी एंट्रेंस है रहने वाली है, 2 गेट आपको मिलने वाले हैं एंट्रेंस के। ये पूरा आपकी बिल्डिंग का एंट्रेंस है। ये जो काम देख रहे हो अभी थोड़ा फिनिशिंग का काम इसमें चल रहा है। तो ये पूरा आपकी एंट्रेंस रहने वाली है दोस्तों। ये पूरे आपके फ्लैट की कवर्ड पार्किंग रहने वाली है। तो आप देख सकते हो ये पूरी कितनी बड़ी पार्किंग आपको मिलने वाली है गाड़ी की और टू व्हीलर की। यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे आपके मीटर्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हर फ्लैट का अलग रहने वाला सेपरेट। तो पूरा आपका कवर्ड पार्किंग रहने वाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी लिफ्ट का प्रोविज़न है, थोड़ा काम चल रहा है जैसे मैंने बताया फिनिशिंग का। तो पूरा आपका कवर्ड पार्किंग, यहाँ से आपकी स्टेयर स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। और बैक साइड में आपका एक सिक्योरिटी रूम और वॉशरूम बना के दे रहा है बिल्डर दोस्तों। ये आपकी स्टेयर्स रहने वाली है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट फ्लोर में मैं खड़ा हूँ, आपकी स्टेयर्स है पूरा। ये पूरा आपका लॉबी एरिया रहने वाला है। तो एक फ्लोर पे 5 फ्लैट रहने वाले हैं, 3 बैक साइड में आपके और 2 फ्रंट में। रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ 1 BHK का। ये आपकी एंट्रेंस रहेगी फ्लैट की, आप देख सकते हो। ये आपका लिफ्ट आने वाला है, लिफ्ट से जस्ट बाहर निकलते ही आपके फर्स्ट फ्लैट आपका ही रहने वाला है 1 BHK। एंट्रेंस आप देख सकते हो, कम से कम 8 फीट की इसमें भी एंट्रेंस आपको मिल रही है। गेट आपका बहुत बढ़िया वुड के साथ है, मैं ऑलरेडी पर्सनली रिव्यू करके बता रहा हूँ। गेट की थिकनेस आप देख सकते हो, गेट ही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 20 से 25 हज़ार का होने वाला है। जितना ही हैवी वुड इसके अंदर यूज़ की, जब आप विजिट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये मैं आ चुका हूँ अपने लिविंग एरिया के अंदर। ये पूरा आपका लिविंग एरिया रहने वाला है, वेट्रीफाइड टाइल्स के साथ फ्लोरिंग मिलने वाली है आपको। बैक साइड में आप देख सकते हो वुडन का बहुत जबरदस्त काम किया है बिल्डर ने, बहुत बढ़िया क्वालिटी की वुड यूज़ की गई है। पूरे फ्लोर पर आप देख सकते हो वार्म लाइट का यूज़ किया गया है और वुड। और ये पूरा जो भी टीवी यूनिट देख रहे हो, साथ में आपको पार्टीशन दिया है लिविंग और किचन के बीच में। ये आपका पूरा लिविंग एरिया रहने वाला है। एक बार आप ऊपर फॉल सीलिंग का काम देखिए, पूरा वुडन की थीम रहने वाली है इस पूरे 1 BHK की, जो कि आपके बजट के अंदर रहने वाला है दोस्तों ये। और इसी के साथ आप देख सकते हैं स्विचेस वगैरह सब आपको बिल्डर प्रोवाइड करा रहा है। पूरा वुडन वर्क इंटीरियर आपको एज इट इज मिलेगा, थोड़ा बहुत काम इसके अंदर अभी भी चल रहा है फिनिशिंग का। तो जब आप ऑन टेबल आएंगे तो आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस हो जी जाएगी बिल्डर के थ्रू। तो इसी के अंदर जब आप गेट से एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मेन स्विचेस का बोर्ड लगा हुआ है बिजली की। तो ये पूरा आपका व्यू रहने वाला है। पार्टीशन आप देख सकते हो, लाइट के साथ पार्टीशन दिया है बिल्डर ने। तो ये आपकी घर को बहुत बढ़िया लग्जरी फील देने वाला है दोस्तों 1 BHK के। तो ये पूरा आपका व्यू है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिविंग, तो मैं ये अगर यहाँ से लिविंग एरिया से थोड़ी आगे की तरफ जाता हूँ, ये आपका किचन एरिया आ जाता है। ये पूरा आपका किचन का व्यू आप देख सकते हो, एल शेप में किचन दी गई है। ये जो आप थोड़ा बहुत ये काम देख रहे हैं ये सब आपको बढ़िया होके मिलेगा। जैसे बता रहा, थोड़ा फिनिशिंग का काम रहता है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये पूरा आपका एल शेप में किचन रहने वाला है दोस्तों। पूरी वार्म लाइट की
वार्म लाइट के साथ आपको बिल्डर प्रोवाइड करेगा, जो भी फॉल सीलिंग के अंदर लाइट्स, फॉल सीलिंग के अंदर आपको लाइट्स लग के मिलेंगे, जब आपको पोजीशन मिलेगा पूरी फॉल सीलिंग के अंदर लाइट्स लग के मिलेंगी। तो ये पूरा एल शेप का आपका रहने वाला है। अगर मैं इसके डोर की वुड की बात करूँ, थिकनेस आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त है। तो काउंटर टॉप आपको ग्रेनाइट का मिलने वाला है, स्विचेस वगैरह सब ओके ओके मिलेगी आपको। ये पूरा आपका किचन का व्यू रहने वाला है, देख सकते हो। किचन से ही मैं अगर आगे जाता हूँ तो ये आपका एक पैसेज एरिया आया था, जिसके अंदर जिसके साथ ही आपको ये कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। टाइल्स का काम देखिए दोस्तों, लग्जरी टाइल्स आपको मिलने वाली है, पूरे 1 मैच की टाइल्स मिलेंगी, और आपको होटल से कम फील नहीं आने वाला अपने 1 BHK के अंदर। 1 BHK भी आपका 5-स्टार होटल से कम नहीं रहने वाला। टैप्स और फिटिंग्स अभी लगनी बाकी है, जैसे मैं बता रहा हूँ फिनिशिंग का काम चल रहा है। पैसेज एरिया से ही मैं आगे जाता हूँ, ये आपका बेडरूम आ जाता है। एंट्रेंस आप देख सकते हो बेडरूम की, और एंट्रेंस में ही बिल्डर आपको एक स्पॉटलाइट दे रहा है। तो ये आपकी एंट्रेंस रहने वाली है 8 फीट की, तो इसमें एंट्रेंस है। तो दोस्तों ये आपका पूरा बेडरूम रहने वाला है 1 BHK का। ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख सकते हो, लाइट्स आपको लग के मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। वार्म लाइट का यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं पूरे फ्लैट पे। और ये बेडरूम के अंदर ही टीवी यूनिट आपको लगा के देगा बिल्डर, जब आप ऑन पीछे जाएंगे। थोड़ा फिनिशिंग का काम चल रहा है। सामने आपका वार्डरोब रहने वाला है, फ्लोर टू टॉप हाइट आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया मिलने वाली है आपको वार्डरोब की। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया स्पेस इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं से अगर मैं बात करूं थोड़ी आगे की तरफ, तो आप देख सकते हो आपका बैक साइड रहने वाला है फ्लैट का, जिसके अंदर आपको बैक साइड के अंदर ये आपको वॉशिंग एरिया मिलेगा। वॉशिंग एरिया के अंदर यहाँ पे आपका वाटर सप्लाई आ जाएगी। ये पूरा आपका बैक साइड का वॉशिंग एरिया रहने वाला है 1 BHK का। तो एक बार आप पूरा व्यू देख सकते हैं अपने 1 BHK का। ये पूरा पैसेज आपका आगे जाके लिविंग एरिया में जा रहा है। लाइट्स आप देख सकते हो, वार्म लाइट यूज़ की गई है, लग्जरी फील आने वाला है। टेंशन मत लीजिएगा, आप जब विजिट करेंगे आपको पता लगेगा कि 1 BHK भी जिस प्राइस में लेकर आया हूँ, मुझे नहीं लगता कोई देगा इस काम के साथ। तो विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आप में से किसी का भी कोई भी कंसर्न हो तो डिस्प्ले में दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके अंदर भी अभी भी यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो ये पूरा आपका व्यू एक बार देख लीजिए 1 BHK का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 1 BHK बहुत बढ़िया लगा होगा यार, इससे सस्ता तुम्हें कोई नहीं दे सकता। पूरे इंटीरियर के साथ पूरा होटल से कम नहीं मिलने वाला इसके अंदर काम, पूरा आपको वार्म लाइट के साथ, पूरा आपको वुडन वर्क के साथ, कोई सस्ता नहीं देने वाला, वो भी इंद्रपुरम की प्राइम लोकेशन में। अगर कोई दे सकता है तो भाई मुझे भी बताना यार, तो मैं वो चीज़ भी आपके लिए कवर करूँगा। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो रहने वाला है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अल्ट्रा लग्जरी 1 BHK रहने वाला है। प्राइस आपने देख ही लिया होगा जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो। तो अगर आप में से किसी का भी कोई भी कंसर्न हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अभी भी इसके अंदर यूनिट्स अवेलेबल है जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, तो डिस्प्ले में दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मुझे इस बारे में जितना पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में जो कि बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।